साउथ इंडस्ट्री में कॉमेडियन ऐसा भी है जो वहाँ के लीड स्टार्स को भी मात देता है। हर दूसरी फिल्म में इस कॉमेडियन की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। इस कॉमेडियन का नाम है ब्रह्मानंदम। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ब्रह्मानंदम ने इतनी ज्यादा हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं कि इन्हें वहाँ का कॉमेडी किंग कहा जाता है। इसलिए तो जब भी इनकी एंट्री स्क्रीन पर होती है, लोग तालियों और सीटियों से इनका स्वागत करते हैं। आज ये साउथ की कैसी शख्सियत बन गए हैं जिनके बिना साउथ की हर एक फिल्म अधूरी है। लेकिन साउथ के इतने बड़े और मशहूर स्टार होने के बावजूद आज भी इस अभिनेता के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इनके बारे में अभी 10 ऐसे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो इनके एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले करियर के दौरान और इनकी फिल्मों से जुड़े हैं, जिनके बारे में आज भी लोग अनजान हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में उन्हीं 10 अननोन फैक्ट से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके उन फैक्ट्स के बारे में तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, साउथ के मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम का जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र के सातेनापल्ली जिले के मुपल्ला गांव में हुआ। इनका परिवार एक मध्यम परिवार था जिसमें इनके साथ भाई बहन, माता पिता और ये शामिल हैं। नंबर 2, आपको बता दें कि अपने पूरे परिवार में इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने जैसे तैसे एमए तक की पढ़ाई पूरी की। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी और ये अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में नाटक करते थे, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने घर का खर्च चलाने के लिए बतौर तेलुगु लेक्चरर अतिली कॉलेज में नौकरी करनी शुरू की। ये कॉलेज में अपने छात्रों की मिमिक्री कर उन्हें हंसाया करते थे, जिसके बाद इन्होंने एक इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट का प्राइज मिला, जिसके बाद इनकी रुचि ड्रामा की ओर बढ़ गई और ये इस कदर कई नाटकों में भाग लेने लगे। नंबर 3, नाटकों में काम करने के दौरान जाने माने तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर जंध्याला ने ब्रह्मानंदम को मोद्दाबाई नाम के नाटक में एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा। उन्हें ब्रह्मानंदम का एक्टिंग स्किल इतना पसंद आया कि इन्हें चन्नताबाई नाम की एक फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर किया। इस तरह इसी फिल्म से इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक ब्रह्मानंदम 1000 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इनके कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में हैं, जिनमें अहाना पिलाता, अपुल्ला अप्पा राव, किंग, रेड्डी रच्चा, आर्या 2 और बपालू जैसी फिल्में शामिल हैं। नंबर 5, आपको बता दें कि ब्रह्मानंदम को साउथ के हर सुपरस्टार के साथ देखा गया है। इन्होंने महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, नागार्जुन सब के साथ, इसके अलावा और भी बाकी एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम किया है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अपनी लोकप्रियता के चलते ब्रह्मानंदम ने 2015 में अपनी फीस 1 करोड़ तय की थी, जिसके बाद ये हर एक फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मानंदम की जो भी फिल्में हिंदी में डब होती हैं, उनमें इनकी असली आवाज नहीं होती, बल्कि हिंदी डब फिल्मों में इनकी आवाज कई मशहूर डबिंग आर्टिस्ट देते हैं, जिनमें सौरभ चक्रवर्ती, विनोद कुलकर्णी और ओमी शर्मा जैसे मशहूर वॉइस आर्टिस्ट शामिल हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मानंदम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये रिकॉर्ड 2007 में एक ही भाषा में 700 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए साल 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। नंबर 9, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आज साउथ फिल्मों के इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ब्रह्मानंदम हिंदी फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, जबकि साउथ का आज हर एक बड़ा स्टार हिंदी फिल्मों में काम कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि ब्रह्मानंदम का मानना है कि जिस इंडस्ट्री में उन्हें सब कुछ मिला, ये उस इंडस्ट्री को छोड़ ये किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मानंदम एक दमदार एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार भी हैं। अपने खाली समय में तरह तरह की मूर्तियां बनाकर अपना टाइम पास करते हैं। मूर्तियां बनाना इनकी हॉबीज है। इनके घर में आप एक से बढ़कर एक मूर्तियों का कलेक्शन देख सकते हैं, जिन्हें इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रह्मानंदम अगर हिंदी फिल्मों में काम करेंगे तो क्या यहाँ इनकी फिल्में चलेंगी? क्या यहाँ के लोग इन्हें पसंद करेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।